दोस्तों बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री ऐसी भी है जिनके साथ सुपरस्टार राजेश खन्ना ने कई रातें गुजारी थी। वो अभिनेत्री कौन थी और उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो मैं राजेश खन्ना के साथ हमबिस्तर होने पर मजबूर हो गई थी, और राजेश खन्ना ने उस अभिनेत्री के ऊपर जरा भी रहम नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी उस अभिनेत्री का नाम सुनेंगे तो हैरान रह जाओगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर बॉलीवुड में ये चल क्या रहा है। दरअसल राजेश खन्ना एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने खुद के बलबूते पर बॉलीवुड में सफलता हासिल की थी, और उनका कोई भी गॉडफादर इंडस्ट्री में नहीं था। उनके बेबाक अंदाज के कारण उनकी फैन फॉलोइंग उस समय भी बहुत ज्यादा थी जब बॉलीवुड फिल्में देखने वालों की संख्या आज के मुकाबले बहुत कम थी। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया है, उनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेत्री अंजू महेंद्रू के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के अलावा कई सीरियल्स में भी काम किया है। अंजू महेंद्रू के राजेश खन्ना के साथ बहुत गहरे संबंध थे, जिससे कि राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल खन्ना को काफी तकलीफ होती थी। अंजू महेंद्रू का जन्म साल 1946 को हुआ था और वह जन्म से ही कला के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने लगी थी। अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना का अफेयर करीब 7 साल तक चला, इसके बाद दोनों अलग हो गए थे। अंजू महेंद्रू अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर पाई थी और मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी चर्चा राजेश खन्ना के साथ गलत संबंधों को लेकर होने लगी थी, और ऐसे में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम भी किया था। उन दिनों राजेश खन्ना काफी पॉपुलर थे, लेकिन अंजू उन्हें ऐसे वक्त में जमीन से जुड़े रहने की सलाह देती रहती थी। इन दोनों का रिलेशन इतना ज्यादा आगे तक बढ़ गया था कि बात शादी तक पहुंच गई थी। बताया तो यहां तक जाता है कि राजेश खन्ना कई दिनों तक अंजू के घर में रहा करते थे, लेकिन जैसे ही डिंपल कपाड़िया की बॉलीवुड में एंट्री हुई तो राजेश खन्ना उनकी तरफ आकर्षित हो गए। ऐसे में राजेश खन्ना ने अंजू के घर आना जाना बंद कर दिया और उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। अंजू इस बात को लेकर डिप्रेशन में चली गई थी और राजेश खन्ना ने डिंपल से शादी कर ली। तो दोस्तों, अंजू और राजेश खन्ना की शादी होनी चाहिए थी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।